राम मंदिर निर्माण के लिए वारकरी और मातंग समाज आया आगे, घर घर से करवा रहा निधि संकलन का काम। निर्माणाधीन श्री राम मंदिर निर्माण के लिए विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस निधि संकलन अभियान चला रहे हैं। इसमें नवी मुंबई के तमाम संस्थाओं और समुदायों का भरपूर सहयोग मिलता दिख रहा है। आज ऐरोली, दीघा, कोपरखैने समेत कई स्थानों पर मातंग समाज और वारकरी समुदाय के सैकड़ों समाज सेवकों और धर्मानुयायियों ने श्री राम मंदिर निर्माण के लिए अपना योगदान देने और समाज के अन्य लोगों से भी योगदान दिलाने का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि श्री राम सबके, उन्होंने सबको साथ लेकर चलने का आदर्श प्रस्तुत किया। उनके मंदिर के निर्माण कार्य में सहयोग देना हमारा सौभाग्य है। मातंग और वारकरी समुदाय के वरिष्ठ जनों और नागरिकों ने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। भद्रं कर्णे विष्णुयाम देवाः भद्रं वस्ये माक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गै तुष्टवाक्कुंभस्तनुभिः व्यशेम देवहितैर्यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति न पूगा विश्ववेदाः स्वस्ति न स्तारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदधे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। श्री रामचंद्र भगवान की जय। इस पृथ्वी पर एक देवता है जो राम जी हैं, जिनको सब मानते हैं, हम भी मानते हैं, दूसरी और कई कम्युनिटी के लोग भी मानते हैं। अब थोड़ा सा मेरा बैकग्राउंड आप इतिहास उठा के देखिए कि हमारे गुरु नानक देव जी खत्री समाज, खत्री उस वक्त हिंदू ही थे, वहाँ से लेकर 10 पीढ़ी तक, वहाँ से लेकर 10 पीढ़ी तक गुरु गोविंद जी तक हिंदुओं की रक्षा के लिए उन्होंने सब अपना पूरा बलिदान दिए, बच्चे दिए, ये दिए, वो दिए। आप जानते हैं इतिहास को, मैं नहीं दोहराना चाहता। और हम लोग 1700 सदी से ये भगवान के भवन के निर्माण के लिए, भगवान की जन्मभूमि के लिए संघर्ष करते रहे। आज जाके एक ऐसा अच्छा मौका मिला है कि आज वहाँ पर भगवान स्वयं अपना भवन निर्माण कर रहे हैं। और मैं सभी लोगों से ये अपील करूँगी, भारत में रहने वाले जितने भी अपने भारतवासी हैं, उन सब से मैं दो हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि अपने अपने पॉकेट के हिसाब से, अपने अपने तरीके से अब जितना इस भगवान में योगदान देंगे उतना ही अच्छा है, चाहे वो कोई भी कौम का हो। हमको कौम से कोई मतलब नहीं, हम इस देश में रहते हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, और हिंदू होने के नाते या तो मैं एक सिख हूँ, मेरा एक रूप है, मेरे को मेरे भगवान ने दिया, लेकिन मेरा बेस, मेरा खून तो भगवान श्री राम जी के चरणों में है। क्योंकि ग्रंथ साहब उठा के देख लीजिए, उसमें भी कई बार राम जी का नाम आया, जिक्र आया है, अच्छे अच्छे लोगों का जिक्र आया है। तो इस भगवान के काम में हम लोग अपना जो भी अपने से बन सके, तन मन धन, ये समर्पित करेंगे। और इस भवन को, इस इतने बड़े राजमहल को, भगवान का राजमहल है ये, इसका निर्माण कार्य करेंगे, ठीक है। ऐसे ही
मैं आप सबसे आज सभी से विनती करता हूँ कि आप सब इसके अंदर अपना अपना योगदान दीजिए और इस कार्य को सफल बनाइए। भगवान राम और कृष्ण इस भूमि के एक आदर्श व्यक्ति कहे जाते हैं। भगवान राम की पूजा हम इसलिए करते हैं कि देखो बच्चे और उनके आदर्शों के कारण दो व्यक्ति जब आपस में मिलते हैं तो राम राम कहते हैं, अंत तक राम नाम लिया जाता है। जब किसी की किसी का अंत होता है तो उस अंत्य यात्रा में भी उसको राम नाम कहते कहते उसको विदा करते हैं। तो ये राम का नाम जो है उनकी उच्च आदर्शवाद से हुआ है और ये सारे इस भूमि का कल्चर जो रहा है पहले शुरू से एक आदर्श कल्चर कहलाते हैं। और ये संस्कृति को बुरी तरह से घायल करने के लिए, अपनी संस्कृति हमारे इस भूमि पर लादने के लिए बहुत सारी कोशिशें हो गई और इस कोशिशों में बारहवीं सदी के बाद मुग़लों ने अत्याचार किए, मुग़लों का शासन रहा यहाँ पर और उसकी वजह से धीरे धीरे ये सब संस्कृति लोप होती बंद होती चली आ रही है। तो इस कारण हिंदू मतलब हिंदुस्तानी मैं कहता हूँ, क्योंकि यहाँ राम के पहले कोई भी मुसलमान धर्म नहीं था, कोई भी क्रिश्चियन धर्म नहीं था। इस भूमि जो भी मुसलमान है, जो भी क्रिश्चियन है, वो जबरदस्ती या अपने विचार से मुसलमान या क्रिश्चियन बनाए गए हैं। इसलिए हम ये चाहते हैं कि अयोध्या से राम मंदिर पहले प्रस्थापित करें। राम मंदिर प्रस्थापित करने के बाद बाकी मंदिर का देखा जाए, लेकिन ये राम मंदिर यह इस भारत भूमि की अस्मिता है। श्यावर रामचंद्र की, श्री रामाचा जन्मभूमीवर मंदिर सुंदर बांधुया, इतिहासाचा पानावरती सुवर्ण अक्षर कोरुया। जय 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 श्री राम, जय 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 श्री राम, जय 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 श्री राम, जय 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 श्री राम। भारत भूमीच्या पुत्रांनो अयोध्येला जाऊ चला, भारत भूमीच्या पुत्रांनो अयोध्येला जाऊ चला, शूरवीरांनो मर्दगड्यांनो श्रीरामाला पोहोचला, श्रीरामाच्या शूरवीरांनो मर्दगड्यांनो श्रीरामाला पोहोचला, हिंदुत्वाचा भगवा झेंडा विश्वामध्ये रोवचला, हिंदुत्वाचा भगवा झेंडा विश्वामध्ये रोवचला, श्रीरामाच्या जन्मभूमीवर मंदिर सुंदर बांधूया, इतिहासाच्या पानावरती सुवर्ण अक्षर कोरूया। जय 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 श्रीराम, जय 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 श्रीराम। नमस्कार, मी रामनाथ म्हात्रे, मी कार सेवक आहे। मला आनंद वाटतो की मी दोन वेळा ह्या कारसेवेमध्ये सहभागी होतो आणि ह्या कारसेवेमध्ये मी दोन वेळा म्हणजे एकदा अटक झाली आणि 10 दिवस जेलमध्ये होतो आणि दुसऱ्या वेळा जेव्हा आम्ही गेलो होतो त्यावेळी प्रतिकात्मक कारसेवा करण्यासाठी आम्ही ज्यावेळी शौर्याच्या तीरावर बसलो असताना आपल्यापैकी बरेच जे कारसेवक होते ते घुमटावर चढले आणि त्यांनी तो घुमताला दामशेष करून टाकलं, बाबराची जी निशाणी होती ती पुसून टाकली। त्यावेळी जो जयकार झाला, त्यावेळी जो आनंद आम्हाला होता तो आनंद आजही आमच्या मनामध्ये। आम्ही प्रभू रामचंद्राचं जे काही चारित्र आहे ते जपून ठेवलं होतं आणि आज ह्या भारतभूमीच्या या नरेंद्र मोदी साहेबांच्या आणि या आपल्या देशाच्या संविधानाने ठरवलं की प्रभू रामचंद्रांची हीच जन्मभूमी आहे आणि त्या जन्मभूमीवर आज सुंदर असं मंदिर होत आहे। मला भारतातल्या एकूण एक कारसेवक म्हणा, प्रभू रामचंद्राचा शिष्य म्हणा, त्यांचा एका भक्त म्हणा, या भक्तांनी या मंदिरासाठी माझी वीट लागण्यासाठी कोणी 10 रुपये असेल, कोणी 20 रुपये असेल, कोणी 50 असतील, कोणी 50 लाख असतील, ही जर निधी समर्पित केली आणि माझी वीट त्या मंदिराला लागली
तर त्याला मला वाटतं आनंद त्याचा दुगुणित होईल. कारण हा मंदिर कोणा बापाचा नाही, कोणाच्याही बापाचा नाही आणि कोणाच्याही नावाचा नसणार आहे. म्हणजे जसा आपण म्हणतो की हा मंदिर टाटाचा आहे, हा बिर्लाचा आहे, तर त्यांचाही नसणार आहे. तर हा मंदिर प्रभू रामचंद्राचा असेल, भारतीयांचा असेल, हिंदूंचा असेल, समस्त भारतवासियांचा असेल. म्हणून मी सर्व कारसेवकांना, सर्व हिंदू लोकांना, हिंदू नव्हे जे भारतामध्ये राहतात ते सर्व भारतवासींना विनंती करतो की ह्या मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्राच्या या पावन भूमीमध्ये, जन्मभूमीमध्ये आज प्रचंड असं मोठं मंदिर होत आहे आणि ही भारताची शान असणार आहे. आपला 1 रुपया, 10 रुपये, 5 रुपये, 50 रुपये जे काही निधी असेल तो समर्पित करा असे मी सर्वांना विनंती करतो. जय श्रीराम. पहिले तो प्रभू रामचंद्रजी आहे. चरितम रघुनाथस्य शतकोटी प्रविस्तरम एकैकम अक्षरम पुंसा महापातक नाशनम. प्रभु रामचंद्र का खाली नाम का उच्चार करने से महापातक का नाश होता है, क्योंकि उनका जीवन चरित्र देखा जाए तो उन्होंने चरित्र ऐसा रखा है कि भाई, पिता, माँ, ये सब अपने अपने घरों में प्रभु राम रहेगा तो अपना जीवन राममय होता है. इसलिए प्रभु राम का जो संघर्ष हुआ है 500 साल से चालू जो संघर्ष था वो आज जाके ख़त्म हुआ है और इसका आनंद पूरे भारतवासियों को. राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ है और राम मंदिर में हर एक की ईंट लगनी चाहिए. हर एक का जैसा रेती का एक खड़ा भी लग जाए तो मंदिर निर्माण हो सकता है, क्योंकि कोई एक करता है मंदिर, एक बनाएगा. जैसे बिरला बना लेंगे, आज तो बिरला की बहुत मंदिर है. जैसे हमारे यहाँ न्यू बॉम्बे के नज़दीक कल्याण करके, कल्याण के बाजू में शहाड़ में बिरला का मंदिर है, तो नाम दिया गया पांडुरंग का मंदिर है विठ्ठल भगवान का, लेकिन नाम क्या दिया है? बिरला मंदिर. वैसे अयोध्या का जो मंदिर है ये पूरे विश्व में हिंदुस्तान का मंदिर लगना चाहिए, इसलिए हिंदुस्तान का मंदिर लगना चाहिए. इसलिए हर एक का वहाँ पे कोई ना कोई योगदान होना चाहिए. वो 1 रुपया से लेके कोटि तक कोई भी दे सकता है और उसमें सबका योगदान होना चाहिए. अभी राम मंदिर जो बनने वाला है वो हमको राम मंदिर की इतनी खुशी होने वाली है कि हम बोल नहीं सकते, क्योंकि जब भी राम मंदिर, जब भी राम जब भी वनवास में गए थे तभी उनको नदी पार करना था, तो कोली लोगों ने जो उनको नदी पार कराया तो हम लोग को राम का जो इतनी खुशी है हम लोग को आगरी कोली समाज में कि राम मंदिर जो बन रहा है कि सबसे ज़्यादा जो अगर खुशी होने वाली है तो आगरी कोली लोगों को. और हम लोग आगरी कोली जो राम मंदिर बन रहा है वो कवो दिल से वो बोलेंगे तो अच्छी और सच्ची श्रद्धा से हम लोग राम मंदिर के लिए योगदान जो है जो पूरी समाज के लिए, आगरी कोली समाज के लिए हम लोग पूरी देंगे. बहुत लंबे संघर्ष के बाद राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ है. राम सिर्फ हिंदुओं के नहीं सबके ईश्वर हैं, उन्होंने अपना ऐसा आदर्श प्रस्तुत किया, आप क्या कहना चाहेंगे? मंदिर तो सही जगह पर है, सही जगह बांधना पड़ेगा. गोवालाच पाहिजे मराठी म्हणजे काय, आता आपला ना राम भूमी आहे तेच जगह मंदिर तर आपलं सोडणार नाही, भगवान सोडणार नाही, तो आपल्याला मंदिर बनवून देणार बी आपण निमित्त लावणं सगळ्यांची एक जूट होऊन हां. कोणीच नाही का बाबा मुस्लिम अलग आहे, हिंदू अलग आहे, भैया अलग आहे असा नाही. यो अख्ख्या हिंदुस्थान नाही, राष्ट्र नाही, दुनिया ही भगवंतांनी दुनिया रचलेली आहे. भगवंतांनी की समाज अलग नाही केलं, समाज होईल्यान जसं जसं जेव्हा भक्त निघल्यान तसं समाज होईल. ही भगवान सबका मालिक एक, सबका पिता एक आहे. भगवान कोणचा अलग नाही आहे, भगवान एकच आहे, फक्त आम्ही समाज आपो अलग केलेला ते असा नाही का हिंदूंनी तर दर्शन घ्यावं मुसलमान दर्शन घ्यावं नाही घ्यावं असा नाही. मुसलमान बोलतील तर आपला समाज अलग आहे, हिंदू बोलणं अलग आहे. कोणी बी येऊन रामाचं दर्शन घ्यावा, रामाच्या मंदिराला मदत करावा आणि तो भव्य दिव्य मंदिर होवं असं सगळ्यांची इच्छा आहे ना, भगवंताची इच्छा आहे.
का आपला मंदिर या समाजाचं मंदिर म्हणजे भक्तांची आशीष व्हायला पाहिजे. करणारा भगवंतच आहे. रामच सगळं काम करेल. पण आपल्याला निमित्ताला सगळ्यांनी एकत्र करून जसे त्यांनी वांडरसेने एकत्र करून त्यांनी जे विजय मिळवला आणि अयोध्येला झेंडा फडकवला म्हणून अयोध्या महान आहे. रामभूमी आहे. ती रामभूमी होती आणि रामभूमी राहील. वहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नवीनभाई कार्यवाहक कमलेश पटेल ने तमाम समुदायों द्वारा मिल रहे निर्माण निधि और सहयोग पर खुशी जाहिर करते हुए उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि चंदा नहीं है बल्कि राम मंदिर के रूप में निर्मित होने वाला भारत का राष्ट्र मंदिर है जो विश्व भर के लिए सामाजिक सांस्कृतिक एकता का प्रतीक बनेगा. कमलेश पटेल ने और क्या कुछ कहा आइए वह भी सुनाते हैं. 500 साल के संघर्ष के बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने राम मंदिर के फेवर में ऑर्डर दिया और उसके बाद में माननीय पंतप्रधान जी ने भूमि पूजन किया और आज इस देश को राम मंदिर से राष्ट्र मंदिर तक अगर लाना है तो यही सबसे अच्छा एक मौका है जिसमें हम इस देश को संगठित कर सकते हैं जिसकी अखंडता सदैव बनी रहे इसका ये प्रयास है. और घर घर से एक ईंट जानी चाहिए. इस देश के हर भारतवासी का ये मंदिर है तो इसी बहाने इस मौके को कोई भी संगठन खोना नहीं चाहता है. आज इसी बहाने इस देश में जो हम कह सकते हैं जातिवाद प्रांतवाद भाषावाद इसको तुरंत उसको ख़त्म करने का ये प्रयास है और देश को अखंडता देश में अखंडता पुनः लानी है और राम मंदिर से राष्ट्र मंदिर स्थापना करने का प्रयास है. देश के हर भारतवासी का ये मंदिर है तो इसी बहाने इस मौके को कोई भी संगठन खोना नहीं चाहता है. आज इसी बहाने इस देश में जो हम कह सकते हैं जातिवाद प्रांतवाद भाषावाद इसको तुरंत उसको ख़त्म करने का ये प्रयास है. हम सभी जानते हैं कि हज़ारों वर्ष से हिंदू समाज खंडित था. देश विदेशों में बिखरा हुआ था. भारत में भी बिखरा हुआ था. तो ये एक प्रयास है कि पुनः हिंदू समाज संगठित हो और इस राष्ट्र को निर्माण करें. ये मौका मिला है हमारे देश को कि जो हिंदू समाज खंडित था उसे पूरा दुनिया में जो खंडित था उसे पुनः संगठित करने का ये मौका है और इसीलिए इस देश को राम मंदिर से राष्ट्र मंदिर तक ले जाना है. ब्यूरो रिपोर्ट टीवी इंडिया. क्या है समस्या? कौन है जिम्मेदार? नगर सेवक, अधिकारी या सरकार? वार्ड परिक्रमा में खुलेगा भ्रष्टाचार का राज जब बुलंद होगी आम जनता की आवाज. नगर सेवक को तो कभी नहीं देखा. नगर सेवक का भी काम है कि वो आके जबकि नगर में देखे. डेवलपमेंट तो कहीं पे नजर नहीं आ रहा. काम बहुत किया है. वार्ड परिक्रमा खोल खोल